बाबा बाबुल उस रब्बी रूप नू जो ज्ञान रूप हो के समझ रूप हो के सोझी रूप हो के सानू गुरु की शक्ल विच प्राप्त होंदा है उहदे सामने एक अरदास है मिन्नत है। एक्चुअली जे देखा जाए ना तो सारे पक्ष साढ़े ही ने साढ़े अंदर ही सब कुछ शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जिवें 17 अखर लाइनस लिखिया ने इस तरीके दे नाल ये उस ज्ञान सोझी ते प्रकाशना नू अपने च कैरी करता जो साढ़े अंदर दी ही प्रकाशना है। एक्चुअल लैवल ते सानू हैल्प करता है अंदरों इनलाइटेड करने वास्ते साढ़े दिमाग नू रोशन करने वास्ते ताकि असी जीवन दे उस जोत रूमा रंग नू उस डिवाइन लाइट नू इंजॉय कर सकीए। गुरु बाबा जी उस जो एबिलिटी सानू इस लैवल ते ले जा सकती है मन की उस दशा नू मन तो जोत स्वरूप है उस हालत नू उन्हों एड्रैस कर दे कि बाबा हे बाबुल हे मेरे अंदर पए हुए ज्ञान सोरस मेरी मदद कर दे विच। लगन गणाए हम भी वंजा लगन गणाए बीते कल बात में की थी सी के एक बार मैंने इस पासे चलन ले इतना डिटरमेंट कर दे कि मैं शुरुआत कर लवा। आपने कभी देखा होगा मैं सिंपल एग्जाम्पल करता हाँ जिहड़ी प्रोकास्टिनेशन होंदी है ना चीज़ां नूं अगे 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 पोस्टपोन करी जाना इहनूं किवें तोड़िया जाए इहदे बारे बड़े बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट ते बहुत कुछ साइकोलॉजिकल साइड तो प्रजेंट किया जाता जिहड़ी रिसर्च हुण तक दी आई है वह कहिंदी है कि जे कोई शख्स शुरू करन दी हिम्मत रखे कोई भी काम है कोई भी टास्क तुसी प्रोकास्टिनेशन चो बाहर आ सकते हो। बंदा उन्नी देर ही डरी जांदा है जिन्नी देर तक उन्हें शुरू नहीं करता जदों 100% डिटरमिनेशन दे नाल डेडिकेशन दे नाल किसी चीज़ नूं शुरू कर दे हो तो थोड़ा जिहा भी रिजल्ट मिले बंदे नूं अहसास हुंदा भी इन्ना औखा नहीं हैगा जिन्ना मैं सोचता सीगा इट्स नॉट दैट हार्ड I can do it, I can manage it. इतों गल आउंदी है कि इसनों साडे लिटरेचर च एग्जाम्पल किया जाता है तंदूर दे विच रोटी लगान नाल जिहड़ा शख्स तंदूर ते थोड़ा दूर खड़ा देख रहा है उन्हों लग रहा है कि ये ते बस आ गया यू नो इट्स ए ओवन फुल विथ फायर आई कैन नॉट ईवन डेयर टू गो क्लोज बाय। फिर देखते सुवाणी विच उस बल्दी अगे जाके रोटी लगा देंदी है उन्हें फिर पका देंदी है फिर बाहर कढ देंदी है हुकम सड़ जाएगा बंदा तो अगे च। हकीकत यह है बस ये है कि बंदे ने एक तो तरीका आना चाहिए दूसरा हिम्मत करन दी लोड़ है। अग नूं बर्न करन वास्ते भी एक्चुअली किन्ना टाइम चाहिए जिहड़ा शख्स जानता है कि इहदे टाइम ते इहदा जिहड़ा हैगा इहदा जिन्ना सब तरीका है वह फिर हौली हौली एक्सपर्ट हो जाता। नो डाउट जिहड़े धरती दे स्ट्रेसरस ने दे आर नॉट लैस दैन ए फायर दे आर मोर दैन ए फायर दे कैन बर्न अस बट एट द सेम टाइम जे आपां उस गल तो डरते रहांगे तो वैसे भी तो बर्न ही हो जाएंगे वैसे भी तो लोग बड़े जड़ा हैगा पैसिविल होके पैसिमिस्टिक होके जिंदगी रोई जाते हैं क्यों ना। कई बार लोग कहते ना कि फेल होने के डर तो बंदा यतन ही नहीं करता तो क्यों ना यतन करके फेल होके वेख लिया जाए लैट्स डू इट ता कि फर्क पैना वैसे भी तो डर ही रहा ना ट्राई इट। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਪਾਓਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। तुसी ऑनेस्ट हो के एफर्ट पाओ
एक छोटा जिहा बीज धरती दे च बीजो, उहदी संभाल करो, ये सब करो। तुसीं देखोगे उस एक बीज नूं कई हजारां बीज लग गए, किड्डा वड्डा हो गया, किन्ना पनप गया, असीं कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये मदर नेचर की ब्लैसिंग आ, रब की ब्लैसिंग कह लो। ये इस करके गणित इत साह लगन लगन लगाए हम पी वंजा, भाव एक करीब उस साह लिख लीए कि तो शुरुआत करा दे। ये बाबुल मैनू एक बारी रूहानी तौर पर अपने आप को समझन वास्ते, आखिरकार मेरी जर्नी तो शुरू होए, मैं इस पास तुरं तो सही, जे तुरंगा वो जड़ा है लगन गणाया जाएगा तो एक दिन बात बनेगी, मैं मिलाप के रंग तक पहुँचागा। सो इतों बात शुरू हो रही सी। हुण जड़ा है अज का पता मैं उत्ते आ जावां, क्योंकि अदरवाइज असी फिर दिते ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस साहब ने जिक्र किया, बाबुल दितड़ी दूर ना आवै कर पे ही है बलराम जीओ। उस बाबा ने, उस बाबुल ने मैंने जो व्याया तो व्याया बड़े दूर देश। हुण इहदे विच बहुत जज्बात वाली गल है, बड़े इमोशंस इहदे विच ने, बड़ी इहदे च बड़ी सेंसिटिव गल भी है। असी पंजाब दी फिजा विच देखोगे तो यहो जे शब्द बड़े भरे पे गुरु ग्रंथ साहब दे विच, क्योंकि जिहड़ी धिर ने सब तो वध पीड़ा सही है, वेदन सही है, उस सारे खिते दे विच औरत है, जिसनों हजारा हजारा साल, मतलब स्लेव तो चलो फिर भी उहदी कोई थोड़ा बहुत राइट हुंदा आ, जिन्हों स्लेव तो भी लैस कंसिडर किया गया। चलो स्लेव नूं तो यह सीगा कि मुगल आए गुलाम बना के लै गए, तो उन्होंने जाके उत्थे बाजारां च वेचिया सब कुछ एक मैस्कुलिन जेंडर नूं, पर फैमिनिन जेंडर जिहड़ा उत्थे नहीं भी गया, कंधार, गजनी, तुखारा, बुखारा, बगदाद, उत्थे नहीं भी वेचिया गया, पर वो जिहड़ा फैमिनिन जेंडर पंजाब दी फिजा विच रहा, उत्थे किहड़ा उहदी जून सौखी सी। वो भावें स्वर्ण तो स्वर्ण, हायर तो हायर क्लास के घर के स्त्री बैठी है, उहदी जून तो बिल्कुल तरसी हो गया। ये तो रियलिटी है, तो कोई शक है ही नहीं गा। फिर उस वास्ते देखो तुसी उहदी कैसी होनी है। गुरु बाबा जी, गुरु अमरदास अपनी बेटी नूं घरे व्याउंदे ने, अपने बीबी भानी नूं। इंज कह लो जिस शख्सियत दे नाल बीबी भानी जा जिहदा विआह हुंदा आ, उस नूं भी गुरु अमरदास आप उहदी सारी ग्रूमिंग करदे ने। एक कल्चर अजे तक भी असीं पंजाब विच रहण वाले लोग सिक्खी दे समुचे कल्चर नूं अडोप्ट नहीं कर पाए, नूं माफी चाहणा। साढ़े अंदर कहण नूं जरूर है, मतलब शकले सिक्खियां क्लेम करदे आ, अखोती सो कॉल्ड, जदों प्रैक्टिस की गल आउंदी है उदों साढ़े च वो चीज़ नहीं रह जाती। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा मैं, बच्ची है वो वड्डी हुंदी है, तो जिवें ही वो एक एज तक पहुँचते उन्हें व्याह के दूर तोर दिता जाता। हुण दूर तोर दिता जाता दे बारे भगत फरीद जी का तुसीं एक श्लोक पढ़िया होएगा, वैसे तो कई बचन ने, पर एक दो बचना की मैं गल कर दिना वा। वो जिक्र करते कि फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी, जे जाना शह नडड़ा थोड़ा माण करी। बहुत सुंदर लफजां दे विच एक कल्चरल साइड नूं जिहड़ा हैगा बयान किया गया। फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी, पंजाब की फिजा दे विच जिथे चौल मुयसर होण, चौल नहीं ते तिल, तिलहनी रूप जिहड़ा हुंदा है। जदों बच्ची नूं विआह तो बाद बाबुल दे घरों दी वदायगी हुंदी है, तो उहदे हत्थां ते चौल या तिल पाए जांदे ने, तो शायद देखा होएगा, तो फिर वो अपने सिर दे उत्तों इस तरीके दे नाल पिछे नूं सट्टदी है। एक्चुअली इहदा जिहड़ा जिहड़ी सिग्निफिकेशन आ वो ये हैगी है कि उस बच्ची नूं अपने घर का सारा पता आ, अपने बाबुल का, अपने पेके घर का सारा। तो विआह दे समय जितना जितनी
जिहड़ी डाउरी है, दहेज है, खर्चा आ, सारा उन्हें सारा वेख्या अपने अखां नाल। तो इस तरह लग रहा कि जिवें मैं अपने बाबुल दा, अपने भरावां दा सारा घर लुट के लै चली हाँ। लोकी वितों बत्ते अजे तक भी है, ये जिहड़ा है बच्चियां नूं लोकी लाइक नहीं करते, प्यार नहीं करते, उन्हां नूं जिहड़ा उस तरीके नाल खुशी नहीं मनाउंदे। इहदे पिछे सिलसिले बारे देखिया जे चीज़ तो पिछे की आ रही सारी चीज़ दे, बच्ची नूं बोझ क्यों समझा जाता है? ये जी वनलेबिलिटी है वो कारण पिछे सारे रूट्स में जाके देखो। हुण हुंदा की है कि जदों भाई वीर बाबा फरीद जी की बात करते हैं तो वह बयान करते, क्योंकि जे तुसी देखोगे पाक पट्टन के दे आले दुआले इलाके जिहड़े एक थोड़ा हायर क्लास के लोग होंगे सी, उन्होंने कोल वड्डियां वड्डियां हवेलियां ने, हवेलियां दे विच जिहड़ी डोली, क्योंकि डोली तो कहारा ने चकनी है, तो नाल लाड़ा जिहड़ा ने ऊंट या घोड़े ते चढ़ना आ घर नूं जाण वास्ते, जदों उहदी विदायगी होनी है तो एक पासे तो जिहड़ा जिस बन्ने दे नाल बन्नन, बन्ने दा मतलब ही बन्नना हुंदा है एक्चुअली, जिहदे नाल उहदा पल्ला बन्निया आ, जिहनूं पल्ला फड़ाता इस तरीके दे नाल, एक पासे तो उहनूं उहदा पल्ला फड़िया आ बन्ने दा, दूसरा क्योंकि उहदा एक हत्थ ऑलरेडी जिहड़ा है कुपाइड आ, दूसरे हत्थ दे विच तिल पा दित्ते ने। हुण उहने तिलां नूं इस तरीके दे नाल बाहर जाण तों पहलां पहलां मतलब दरवाजे ते जाण तक संभाल के रखना, तो बाहर दरवाजे ते निकलण लग्गे उहने पिछे सट्टणे ने इस तरीके दे नाल। दूसरे पासे उहदी विदायगी हो रही है उस घर तों जिस घर चो पैदा हुई है, जिस घर नूं उहने सब कुछ ही मान लिया भी यही घर आ मेरा, यही सब कुछ है मेरा, तो अज वो वो डिटैचमेंट होने लगी है, अज क्या ना इतों तो यू हैव टू लीव इट, इस रूप में गल हुई वो हूँ छड़ के उतों विदा होने लगी है। जदों छड़ के विदा होने लगी तो हूँ रुदन है, यू नो एक तरह का डी रूट हो, जड़ उखड़न लगी, वो अखा च हंझू है गए ने, एक हाथ नाल उन्हें पल्ला फड़िया, दूसरे हाथ से तिल ने, तो फिर अखा दे रुदन आता है, तो उधरों वड्डा सारा झूमर जिवें कुंड कढ़िया हुंदा इस तरीके नाल रुदन, वो फिर रोंदिया होया जिहड़ी उहदी तड़पना आ उहदे च हो सकदा आ तिल डिग जाण उहदे कोल, इह वी बड़ी अपशगनी है, तिल सारे दरवाजे ते पहुंचण तों पहलां डर डिग जाण। भगत फरीद जी ने बड़े मार्मिक रूप विच दृश खिचिया, जे जाणा तिल थोड़े संभल बुक भरी, बड़ी संभाल के बुक भरां फिर मैं, इहनूं फिर मसाली तौर ते दित्ता आ। धरती तों बंदे सिर्फ भोग के विदा नहीं होना, तू ना कंट्रीब्यूट करके जाना कुछ, जिवें उह बच्ची है होर तो कुछ नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट जाण तों पहलां दरवाजे तों पहलां उह जिहड़ी तिल जिहड़े उह चौल ने पिछे ते सट सकदे इस तरीके नाल, इह साह सारे खर्च के ही ते विदा हो जाणा इत्थों, पर अल्टीमेटली कुछ तो दे के जाओ धरती ते, कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाओ, इन्हां तिलां नूं संभाल के यूज कर। सवासां दी गल हो रही है इहदे जे डीप लैवल ते आ जाओ, क्या जे जाणा तिल थोड़े संभल बुक भरी, जे जाणा शौ नडड़ा, तो शौ शौ नडड़ा आ, नडड़ा मीन एक जवान आ, एक चोबर तगड़ा हैगा, दूसरे नंबर दे उत्ते ओह अपने आप दे अपनी मस्ती च तुर रहा, उन्हू मेरे रोण दे मेरे तिलां दी कादी परवाह आ, वह तो अपनी मस्त चाले तुरिया जांदा। जे वह मस्त चाले तुर रहा है तो मैनू वह जिहड़ा लड़ फड़िया आ मैं ये छिड सकदा, छुट सकदा, इस करके थोड़ा नाल भी तुरना पैना वो, अदरवाइज ये लड़ टुट टुट जाएगा तो छुट जाएगा। असी संसार विच आए हाँ, जिउणा भी है, रहना भी है, कंट्रीब्यूट भी करना है, पर एंड ऑफ द डे उस परिपूर्ण लाड़े का जिहड़ा अकाल पुरख वाहगुरु उहदा लड़ भी नहीं छड़ना, नहीं तो वह शौ नडड़ा आ, वह छड़ा देगा अपना लड़। अपने माण च ना रही बंदे, अपनी दुनिया च ना गवाचा नहीं, उहदे वल भी ध्यान दई, ये बात हुई। सो इस किस्म के दृश्य बहुत ने बाणी दे च, मैं और बयान करदा पर एक्चुअल लैवल ते समा सीमित, तो उस तरीके नाल मैं सिर्फ इत्थे इत्थे फोकस रखांगा। इस बचन आया बाबुल दित्तड़ी दूर ना आवै कर पई है बलराम जीओ, मेरे बाबुल मेरे गुरु ने, मेरे उस रूप ने रब दे जिहड़ा
मेरे ते तरस करके मैनू करतार दे रंग च रंगण वास्ते तुर पिया। उन्हें तरस किया कि बाबुल दितड़ी दूर मैनू बहुत दुराडे जिहड़ा हैगा विआह दित्ता, उन्हें इस पेके घर तो दूर लै गया। मैनू पेके घर तो दूर ले जाण दे दो इहदे च वड्डे मैसेज हैगे ने। एक तो पहला यह हैगा आ कि ये जिहड़ी जिस दुनिया च असीं रह रहे हैं दुनिया आरजी है, ये साडे वास्ते सदा रहण वाली दुनिया तो है नहीं गे उस तरीके नाल इस रूप दे विच जिहड़े रूप च होण आ गए। दूसरा ये कि जदों जिस चीज़ तो बहुत दूर होए बंदा उत्थे वापसी संभव ना होए तो फिर जिथे बंदा जा रहा है उत्थे फिर दिल आउंदा, उत्थे रहण दा यतन करदा, एफर्ट पाउंदा वी मैं उत्थे फिट हो जा, मैं उत्थे मेरा जीवन जिहड़ा हैगा वह चंगा बतीत होवे। जे असीं संसार तो विदायगी की बात करते हैं तो ये विदायगी है कि जिन्नी देर तक तो साढ़े अंदर ने वासनावां इच्छावां खाशां बंदा जिवें आलम ने बड़े सोहने वाक लिखे ना, वह कहिंदा कि हकीकत है कि खाशे दर में जिंदगी बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफ़र करते रहे। खाशे दर एक खाश पुगी नहीं, दूजी उहदे नाल जन्मी नहीं, दूजी अजे पूरी नहीं हुई, तीजी खाशा ही खाशा बंदा चुकी फिरता है। इच्छावां दी एड्डी वड्डी पंड आ जो मर्जी हो जाए वह पूरी होने का ना ही नहीं लैंदी। तो फिर यह भी है बंदे दे स्वास पुग जांदे, जीवन पुग जांदा पर इच्छावां ना पुगदियां। तो फिर इत्थों क्या गया थोड़ी कारनेशन आउंदी है, बंदे का अगला जन्म शुरू हुंदा है, क्योंकि इत्थे जिहड़ियां खाशां रह गईयां फिर अगे पूरियां करन वास्ते फिर दुबारा गेड़ा लगा रहिंदा। जिसने इस संसार नाल डिटैचमेंट बना ली, क्या कि अब की बार बख्श बंदे को, मतलब आ गेड़े च काम पूरा हो जाए, मतलब कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो निबेड़ा। आपने कद देखा होगा जदों कितें जिहड़े खेत च मजदूरी वगैरह करदे लोग हुंदे सीगे सारे दे सारे, तो उन्हां नूं खेत विचों बोहल चुक्कण तों पहलां, मतलब जो अनाज या किसान ले जाने तो पहले उन्हें सारे का हिसाब किताब पहले कर देता सी, चलो तुसी आपो अपना हिस्सा लवो तो विदा होवो इतों। जे रह गया तो वह फिर बेचारे फेरे मारते रहेंगे, गेड़े मारते रहेंगे घर वाप बार बार भी मेरा इन्ना हिस्सा रह गया, इन्ना हिस्सा रह गया। उत्थे खेत च ही नबेड़ा कर देना भी डन, सब का हिसाब किताब बराबर। ये जो जीवन जी रहे ये हिसाब किताब पूरा हो जाए, वापसी कभी आनी हो ही ना, इत्थे खाशां इच्छावां पुग जाण सारे दी सारियां, जीवन मुक्त हो जाए बंदा। सो उस रूप बात की गई कि इस संसार दे च रहिंदियां रहिंदियां खाशां की पूर्ति हो जाए तो मुड़के दोबारा आउण की आस ना रहे। नाल दी नाले कि जिस संसार दे च असीं विदा हो रहे हैं रब्बी रज़ा दे च राज़ी रहिंदियां होइआं, इहनूं इस तरह अहसासो कि असी शब्द पढ़ते हैं सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परि स्यों कहियाँ केते तेरे गावन हारे गावन तुदनों पौन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे। ये जे कल नूं डिसमेंटल होंदे ने तत् किथे जाणगे, हवा हवा च जाएगी, पानी पानी च जाएगा, सब चीज़ां इस तरीके नाल। तो जे पानी है हवा आ जो भी है रूप आ ये रूप करतार दा उहदा अपना दर ते घर ते है ते सारे तत् उहदे च बैठे उहनूं गा रहे ने, फिर किसी खास जीवन की फॉर्म एक खास जिहड़ा हैगा रूप एक खास किस्म दा जिहड़ी जिहड़ी बनतर आ इहदी खाश मुक जाएगी। एक्चुअली जीवन मुक्ति ये हैगी है जदों बंदा तत्तां च बैठी उस हस्ती नूं अहसास लैंदा आ। मैं इनू इंटलैक्चुअल साइड तो ज्ञान वाली पक्ष तो बयान कर रहा, पर जिमें जिमें बंदा गुरबाणी दे इस डीप थॉट नो अंडरस्टैंड कर जाए तो फील कर जाए फिर वाक्य च यह हुंदा है कि यह सारे तो बंदा बाहर आ जाता, जिहड़ा सब विच उहदा रूप आ जाना वरत जाना। एक कल्ली गल नहीं है, फिर संसार तो बंदा दूरी एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता, फिर दोबारा इच्छा ही नहीं रह जाती इस रूप की इस खाश की इन चीज़ों की, ज्यौते जी मुकता बंदा। एक बड़े समाइलिंग वे दे नाल धरती तो सब अपने फर्जा की अदायगी करके विदायगी होंदी है बंदे। इहनूं गुरु गुरु नानक साहब जिक्र करते बाबुल दितड़ी दूर,
मैनू बिल्कुल इस तो दूरी बना दी, मेरी लोड़ ही नहीं रह गई हुण किसी रूप आने की, किसी खास आने की ना आवे कर पई है हुणे रूप पेके कर क्यों 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 गेड़ा मारेगी, क्योंकि सहुरे घर सब सुख है। जिथे मैं जाना है उस मिलाप की दशा दे विच मेरी रूह बिल्कुल उत्थे सराब हो रहा, मेरी वापसी वापसी की कोई ना इच्छा आ ना खाश आ। तो आपने देखा भी हो शायद कि जिहड़ियां बच्चियां अपने सहुरे घर जाके एक पूरे उस रंग नूं माणदियां ने, वो फिर वो पेके घर वो कितने शायद फेरा पाउण भी नहीं आउंदियां, ज्यों तो घड़ी पल तो कहिंदे नो 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 आई एम हैप्पी ओवर देयर, मेरा क्योंकि सब कुछ सारी दुनिया उत्थे है मेरी, हुण मैं इत्थे क्यों। जिन्हों वार वार पेका घर चेते आउंदा है वार वार, इहदा मतलब यह है उस जे अगे जिथे जाना सी उत्थे सांझ नहीं बणी, उत्थे कुछ खा उत्थे कमी रह गई। इत्थे जिक्र आया मैं हुण वापसी क्यों क्यों पावां, मैं ते हुण दूर ना आवे कर पई है बलराम जीओ। रहसी वेख हदूर, मैं फिर माफ़ी मंगागा इस गल तो, पर जिवें मैं बेनती करा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच जिहड़ा पति का रोल है वो कैसा रोल होएगा, जिन्हों वार वार गुरु साहब मंग मंग के लै रहे हैं, हर जियो खसमाना कर प्यारे, मैं तेरी पत्नी बन जा तू मेरा खसम बन जा, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जियो तू मेरा पति बन के मैनू व्याह लै। कहन लगे कि जड़ा हैगा आ गुरमुख व्याह हुण आया, मैनू तो गुरु रूप होके व्याहुण वास्ते आ गया, मैनू तो इस गल की बड़ी खुशी हुई। हुण ये जिहड़ियां चीज़ां इस किस्म दी बात आप पाई जा रही सारे दी सारी, जो इस चीज़ नूं असीं अज दी दुनिया च देखते हैं अज दे संसार विच देखते हैं तो अज दे संसार विच हालत यह है कि जिहड़ा खास करके चलो इन्हां मुल्कां च फिर भी पर हालात बहुते वधिया नहीं है, माफ़ी मंगा मैं मतलब कर कर इहो जी हालत ही कह लिए, पर एक वड्डा हिस्सा ऐसा आ जिहदे विच इस्त्रियां संताप भोगदियां ने, क्योंकि जिसनूं पति कहा जा रहा है मतलब पत दा राखा, वो उहदे वास्ते डर दा सबब है, उहदे वास्ते दुख दा सबब है, उहदे वास्ते एक ऐसा संताप आ कि उहदी प्रेजेंस भी घर दे विच कई वारी उहनूं अखर दी तंग करदी है, ये रियलिटी है इस रूप से। अज दे मैं दुनिया च गल कर रहा जदों फैमिनिन राइट्स की इन्नी गल हो रही है, जो लोग किन्ने एजुकेटड अपने आप नूं कह रहे हैं, समाज बदल गया, सब चीज़ें इस तरीके नाल आ गई ने, तो इस तो बिना लीगल तौर पर राइट्स ने भाई तुसीं रहना चाहो ना रहना चाहो इस रूप में, जे कि 10-20 साल 50 साल पिछे चले जाओ की हालत होएगी, 100 साल पिछे चले जाओ 200 साल पिछे चले जाओ, तो तुहानूं पता लगेगा कि जिहड़ी गल कही जांदी कोई पैर की जुत्ती नथिंग एल्स, उहदी होंद इस तो वड्डी कोई होंद नहीं है उहदी, ते फिर जिन्हों जिहदा रुतबा ही यह हैगा कि वह पैर की जुत्ती है, तो जुत्ती जिहड़ी पैर दे विच पई है जिन्नी देर तक उहनूं मालक पा के रखेगा पैर दे विच तो उन्नी देर तक तो जुत्ती दी ते उहदी उहनूं आराम नहीं ना हैगा, उह ते दिक्कत आ उह ते मतलब तकलीफ रूप दे विच आ, जिवें किते उह मालक तो थोड़ी विदायगी होएगी जुत्ती एक साइड ते रखी जाएगी उन्नी देर तक, भाव जिहड़ी हाजरी है जिहड़ी हर वक्त पति दा सिर दे उत्ते उहदी होंद जिहड़ी उह तंग करदी है बड़ी, उह अखरदी आ बड़े बड़ा परेशान करदी हैगी है। पर इत्थे गुरु साहब ने बात की ना महाराज बयान कर दे, रहसी वेख हदूर पिर रावी करम सोही है बलराम जीओ, मेरे पिर दी होंद जिहड़ी है मैनू वह मैनू इन्नी खुशी इतना सुकून देंदी है कि मैनू लगता है कि जिनी देर तक वह मेरे नाल है अंग संग है मेरी जिंदगी है, जो कि मेरे तो माड़ा जहा विदा होगा मेरी शायद जिंदगी ना रहेगी। हुण आ रूप जिहड़ा बयान किया जा रहा है ये बड़ा आइडिया लिया, जिहड़ी मैं पहला बेनती की साडे घरां थावां दा माहौल किवें दा होना चाहिए, इहदे बारे बहुत कुछ सुजैसट किया जा सकता है, मैं एक दो किताबों का जिक्र करदा हाँ। एक किताब चा हैगा आ प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी का ना आ उहदा चुप प्रीत दा शहनशाह, पढ़न वाला किताब चा चुप प्रीत। इस कल्चर च क्या जांदा इफ यू लव समवन
then you have to say out loud, because no one is brain reading. So if you're not saying, that means you're not actually expressing your emotions properly. And other people cannot get idea that you have that kind of feeling for someone. Is karke out loud kaho, aur kuch nahi the, I love you te kaho na, inna te kehna banda hi hai. Us kitab cha naam hai chup preet da shehnshah. Chup preet. Preet, onu bolan di lod na pae. Preet speaks itself. Lafzan di bhi lod nahi reh jandi. Jehdi eh hai, inu si intuition kehne hai. Hamak. सो जिथे इस किस्म की हमक की बात आती है, यह है एक जोत दो मूर्ति तन फिर कहीं है सोए. इन गुरु साहब ने आइडियल बयान किया जहा जीवन यापन संसार साढ़े घर होए तो यहो जे संसार दे विच्चों क्यों नहीं सिख गुण चढ़ चढ़ के पैण गए. ये सारे दे विच जो बंदा इस रोल चो लंघेगा तो अल्टीमेटली मुक्ति बिल्कुल असेंशियल है, पक्की है. महाराज बयान कर दे, हे पति हे अकाल पुरख वाहगुरु तेरी होंद मैनू खुशी देंदी है. रहस्य, रहस्य का मतलब रहस आ जाना, खेड़ा आ जाना. रहस्य वेख हदूर फिर रावी कर सो ही है बलराम जी. कई बार भी है जिन्ना रब का जिक्र बढ़ जाता है बंदे का डर बढ़ जाता है, क्योंकि डर इस करके भी होता है कि वह रब जिहड़ा आ वह है सच, वह है न्या, वह है बिल्कुल राइट पाथ. बंदे दे जीवन दे विच जो उस किस्म की जिन्हों कहा जाए कि सॉलिड अटैचमेंट नहीं हैगी, उस इंटीग्रिटी दे नाल, उस ऑनेस्ट लिविंग दे नाल, फिर बंदे दिक्कत बड़ी आती है. फिर उन रब तो डर लगता है, फिर उन खौफ आता बहुत ज़्यादा. जो बंदा सुचे सुचे जीवन वाला होकर उस पासे तुर रहा है, फिर तो होंद नूं खुशी देंदी है, फिर तो चाह देंदी है, फिर खेड़ा होंदा है. इत्थे महाराज ने बयान किया जदों मैं उहदे नाल इस किस्म की सांझ बना ली, अपने जीवन में सुधारिया, रहस्य वेख हदूर फिर रावी कर सो ही है बलराम जीओ. साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने. इहदा पता किवें लगेगा? चलो ये तो गल है ना भी आप सारे फिलोसफिकल लैवल पर कुछ गल की, पर हाउ वी गोन अंडरसटैंड दैट वन इज़ नीयर टू ऑल माइटी अकाल पुरख वाहेगुरु, उहदी प्रेजेंस साढ़े नेड़े आए, इहदा सानू अहसास किवें होएगा? इहदा गुरु बाबा जी ने बयान किया, साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने. पूरी मत प्रधान हो जाए, पूरी मत साढ़े जिहड़ा साडा अंदर जिहड़ी साडी साइकी कह लो, साडा जिहड़ा अंदर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड आ, उहदे विच चीज़ां आपां अपना रोल प्ले कर दियां ने. किसी दे विच पास्ट दियां मैमरीज इतनियां ज़्यादा स्ट्रोंग होंदियां ने, चंगियां या माड़ियां वह प्रधान होंदियां ने. लोक होने च जिउंदे ही नहीं, वह पिछोकड़े च जींदे ने, उही गल्लां करी जांदे ने, उही सब कुछ. जे वह बहुत जिहड़ा नैगेटिव होए या पेनफुल होए तो डिप्रैशन आउंदा है. जे पेनफुल तो नैगेटिव ना भी होए तो वो बंदा हुण दे विच प्रेजेंट च ना जी के पुरानी चीज़ नूं ही जा रहा, उहदा थ्रो बैक कर करके, मतलब उस चीज़ विच रहण करके दुनिया तो टुट जाता है, पांचवादी हो जाता है. इकल्ले इंडिविजुअल विच नहीं आउंदा, कम्यूनिटीज़ विच भी आ जाता है. इहदियां बहुत सारियां तुसीं इहो जिहे कम्यूनिटीज़ देख सकते हैगे हो. साढ़े घर भी तुहानूं लोक मिल जाणगे बड़े इहो जिहे जिहड़े एवें दीआं गल्लां करनगे. ना ना ना, असीं तां सोफे ते नहीं बैठदे बिल्कुल भी, इह तां मन मत आ. असीं तां कदी पेंट नहीं पाई. ना ना ना, असीं तां बिल्कुल चोगा ही पाउंदे आ. एक्चुअली इह जिहड़ी चीज़ आ ते तुहानूं होर कम्यूनिटी 'च बहुत सारे मिल जाणगे लोक इहो जिहे जिहड़े जस्ट किसी पिछले उस चीज़ दे नाल जुड़े हुए, उस चीज़ नूं अगे मूव नहीं करना उस रूप दे अंदर बिल्कुल भी. ये जिहड़ी चीज़ है इहदा मतलब यह है कि पास्ट दियाँ कुछ मैमरीज जिहड़ियां ने प्रधान हो गई अंदर, या कई लोगों के भविखमुखी मतलब जिहड़ा है आने वाले समय की जिहड़ी चीज़ आ उहदे बारे सोचते रहना, उहदे बारे हुण विच नहीं जीना. हुण जिहड़ा उहनां चों माइनस हो गया है, वो जे
बहुत ज़्यादा डरावना पक्ष है तो फिर एंगजाइटी जिहड़ा हैगा कन्वर्ट होएगा। तो एंगजाइटी जिहड़ी ओवर वरीज ओवर थिंकरन करके आएगी, हर गल नूं एवें सोची जाना, एवें डरी जाना, इतना ज़्यादा नैगेटिव हो जाना, ना पक्षी निराशावादी हो जाना कि कोई भी चीज़ जो मैं बात शुरू की सी। या दूसरा रूप यह होंगे कि बड़ा पॉजिटिव होकर बड़ा आशावादी होकर भी जीना, जिवें गैम्बलिंग करते जिहड़े लोग, दे आर नॉट लिविंग इन दिस वर्ल्ड। जो हुण उन्हां कोल 10-20-50 डालर ने उन्होंने हैप्पी नहीं करते ना, उन्होंने तो यह भी नहीं कि 10-20-50 डालर चंगे नहीं लगते उन्होंने, या वो उन्होंने वैल्यू रखते उन्होंने, बट दे कैन नॉट लिव इन दिस मूवमेंट। जिहड़ी मूवमेंट अगली 5 मिलियन की 50 मिलियन की, वो जी रहे हैं लगातार। ये है, ये है वो मैमरी जिहड़ी है, जिहड़ी सोच आ वो प्रधान हो गई है। हुण जिथे प्रधान होएगी वो बंदा दुख तो बिना होर कुछ नहीं भोगेगा। फिर होर बहुत सारिया चीज़ा लगे दियाँ बड़िया, जिन्हों कहा जाए कि बड़िया बरीक, बड़िया ही ज़्यादा जड़िया नैरो करके देखते हैं, तो वक्रिया वक्रिया लेयरस मिल मिलती ने सानू। जिमें सपोज करो जे होर इन देख लीए, कई मन की दुनिया के गुस्सा प्रधान हो जाता है, कोई ऐसा इंसीडेंट कोई यहोजी चीज़ वापरी, इतना अंदर गुस्सा एग्रैशन आ गया, सब कुछ बंदा उस आले दुआले ले जाता है। दुनिया मूव हो गई, संसार मूव हो गया, सब कुछ, पर वो मूव नहीं हो रहा, वो प्रधान आ, सारे वो जिहड़ा हैगा जिंदगी नूं ड्राइव कर रहा उस रूप के अंदर। हुण ये चीज़ जिहड़ी है मारेगी, बर्बाद करेगी, तबाह करेगी। इस तो बिना किसी कोई होर कोई ऐसी मैम ऐसी चीज़ होए जिवें जीवन दे विच, जिवें सपोज करो साडा संसार है, असीं विचरदे हाँ, साडी किसी नाल अटैचमेंट ही हो जाए बड़ी ज़्यादा, वो साडा कोई अजीज़ हो सकता हैगा, कोई बिलवड वन साडा, कोई साडा वड्डा हो सकता है, एल्डर कोई हो सकता है, कोई एनीवन। हुण कितें मदर नेचर दे ला दे मुताबक या साडे तो विछड़ गया, या साडे तो नाराज़ हो गया, या फौत हो गया, डैथ हो गई, असी इतना ज़्यादा उस चीज़ में ही अपने अंदर जिहड़ा हैगा इतना ज़्यादा लैवल ते उन्हें ग्रैब कर ली, पकड़ कर ली उहदे नाल, कि हुण जिंदगी उस तो बिना कल्पना ही नहीं कर रहे असी, वो प्रधान हो गया। सो इहो जिहियां चीज़ां सब रूपां दे, जिवें हुण हुण बिल्कुल महीम करके छोटा करके लैके आउंदा आ मैं, तुसीं देखिया होएगा बच्चे लक्की पेन, लक्की शर्ट, लक्की शूज़, समथिंग कुछ, इतने एसोसीएशन उहदे नाल डीप बना ली। एक दिन बड़ा एग्जाम सीगा, मतलब हायर लैवल ते कुछ उस तरीके दे नाल कोई इंटरव्यू हैगा, बाय चांस उहदा वह लक्की चाम जिहड़ा सीगा उह किते रह गया उहदे कोल। हुण की होया, सब कुछ होने के बावजूद भी अज उहदा वह कॉन्फिडेंस जिहड़ा है, क्योंकि उहदे नाल इतनी ज़्यादा एसोसीएशन बना, उहनूं प्रधान बना लिया। गुरु बाबा जी कहिंदे जिन्हों रब की होंद बहुत नेड़े आके अपना जलवा विखा देंदी है ना, उन्हें सब चीज़ों तो बाहर आ जाता, सब कुछ हुंदा वापरदा आले दुआले, भविख भी दिसदा आ, पास्ट भी दिसदा आ, बिटरनेस भी कुछ आ रही है पिछोकड़ विचों, कुछ जिहड़ा हैगा कुछ स्वीट ते सावर जिहड़े वो एक्सपीरियंस भी नाल चल रहे हैगे ने, होर भी बहुत कुछ आ संसार दे विच, पर सब कुछ होने के बावजूद भी जिहड़ी उहदी एसोसीएशन आ वह मत नाल है, विजडम नाल है, किसी होर चीज़ नाल, उहनूं प्रधान मनदा। विवेक का पला छड़दा ही नहीं, वो पहचान दिसी साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी, मत पूरी प्रधाने, पूरी मत वो प्रधान हो गई। संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुरु ज्ञाने, पर यह भी संजोगी मेला आ सरकमस्टांसिस दे विच। तो मैं समझदा क्या देखो जिवें गुरु के हजूर बैठे, एदू वधिया सरकमस्टांसिस की होणगे, इत्थे महाराज ने बख्शिश कर दी, सिक्खी पछोकड़ मिल गई, टोरोंटो कैनेडा वर्गे इस मुल्क जा के इस सिटी जा के बैठे हाँ, ये गिरदे रवान दे विच इत्थे आ के बैठ के गुरुद्वारे की हदूद विच, मैं समझदा होर संजोग बंदा की लभेगा। सब जिक्र कर दे संजोगी मेला थान सुहेला, तो जिथे भी इस किस्म नाल संजोग बन जाए कि मैं उस सच ते मतवान अकाल पुरख वाहगुरु की होंद वाले पासे अपने आप लगा सकां, उही थान सुहेला मेरे वास्ते गुणवंती गुरु ज्ञान ने। तो उस गुणवंती जीवात्मा की निशानी यह है, गुरु ज्ञान उहदे कोल आएगा, वह वार वार उन्हूं अर्न करेगी, फिर ये जिहड़ी चीज़ रिफलैक्ट करेगी। मैं जिहड़ी बेनती की पहचान की है, यह है सत संतोख सदा सच पल्लै,
सत मिलेगा, संतोख मिलेगा, सच पल्ले विच पिया होएगा। दीज आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्चूस, खूबियां ने। इन्हों खूबियां ची बंदा सत करैक्टर नाल वड्डा हुंदा, किसी चीज़ नाल वड्डा नहीं हुंदा। संतोख, कंटेंटमेंट, जिदे कोल जीवन विच ये नहीं है, समझो जिहड़ी जिहड़ा लस्ट है, जिहड़ी हवस आ, जिहड़ी भुख आ संसार दी, मार देगी, ये बर्बाद कर देगी। सदा सच पल्ला है, हर वक्त रियालिटी दे विच रहना। सब कहिंदे सच बोला है पिर पाए, सच बोला है। असी चलो बाहर तो जिवें किवें किसी नूं कुछ बोलते हैं, अपने आप नाल तो सच बोले बंदा, अपने आप नाल बंदा बहुत झूठ बोलता, बड़ा चीट करता है। गुरबाणी कहिंदी है सैल्फ टॉक जिहड़ी है, ये बिल्कुल रियालिटी दे फिर लैवल ते खड़े होकर की जाए, बिल्कुल अंतलियां लाइना लै लीए। नानक विछुड़ ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। जिन्हें गुरु की मत का पला फड़ के, साढ़े तो अजकल माफ़ी चाहेंगे विआह के समय इतने मुसीबत साड़ी हुण ये बन गई है कि पला भी एग्जैक्टली होए उत्थे, अदरवाइज पीपल आर गैटिंग सम काइंड ऑफ जस्ट एक्चुअली काइंड ऑफ लीशेज एंड सम काइंड ऑफ जिन्हों कह लो रस्सियां फुलां वालियां, तो जाते जाओ छड़ो। जे तुसी फुलां वाला रिश्ता स्थापित करना, स्नेह वाला प्यार वाला, वो तो विचारधारा तो ख्याल ने लैके आना, ये ग्लैमर ने नहीं लैके आना। एटलीस्ट किसी ट्रेडिशन फॉलो कर दो, पूरी तरह से कर लो, पला दे प्रॉपर लै आओ, एटलीस्ट इन्ना 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 काम तो जिहड़ा जिहड़ा ट्रेडिशन चो आ रहा सारा तो सारा, पर अजीब हालत है। एक्चुअली वो पला जिहड़ा आ, वो पला फैब्रिक कल्ली नहीं हैगी, उहदे च वो पला गुरु का पला आ, गुरमत। जिहड़ा बचन भी गाया जाता ना, उत्थे हब्बे साग कुड़ावे डिठे तो पले तेंडे लागी, सब तो आइडियल अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे वास्ते तू है, तेनू समर्पित हो क्या रिश्ता अपनाण लगा आ मैं। हुण पला छड्डी ना, कोई होर रिश्ता पला फड़े ना फड़े, तू फड़ के रखी, क्योंकि तेरे तो मत मिलनी है तो जीवन सुखमय होना है। अदरवाइज नरक किसी ने देखा तो नहीं है। साडा पंजाबी दा अखाण है, जिथे दो जियां दा जोड़ नहीं उथे होर नरक दी लोड़ नहीं। इफ टू डिफरेंट माइंड आर लिविंग टूगैदर अंडर ए वन रूफ एंड दे कैन नॉट गैट अलोंग टूगैदर, दैन डेफिनेटली देर इज नो नीड टू गो और विजिट एनी अदर हैल, दैट इट सेल्फ इज हैल एंड मोर देन हैल। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट हैल, दैन डेफिनेटली गुरु सानू गाइड करे। ये तो वचन आया, नानक विछुड़ ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। जिन्हें गुरु का पला फड़ लिया ना, एक्चुअली फिर विछोड़ा नहीं, फिर उन्होंने सुख है, फिर खुशी है, फिर हर राह दे उत्ते उहदे वास्ते रोशनी है। इन्हीं बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारियो। अगले समय च आप सिमरन नाल जुड़ोगे, वीर जी आ गए ने, आप उस प्रोग्राम नाल जुड़ो। मैनू इत्थे इजाजत देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।